आज के एनडीपीएस दस्ते को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो एमडी तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपियों से 71 ग्राम एमडी पाउडर जब्त किए जाने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सारिन दुर्गे ने दी। सोमवार को क्राइम ब्रांच के एनडीपीएस दस्ते को एक गुप्त जानकारी मिली, जिसके तहत उन्होंने संतरा मार्केट के पृथ्वीराज लॉज पर योजना बनाकर कार्रवाई की, जिसमें उन्हें दो आरोपियों को हिरासत में लेने में कामयाबी हासिल हुई। आरोपियों से कुल 71 ग्राम एमडी पाउडर जब्त किया गया। इस दरमियान पुलिस ने लगभग 7 लाख रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सारिन दुर्गे ने अधिक जानकारी साझा की। गोपनीय माहितीवरून आम्ही काल संत्रा मार्केटच्या तिथे एका लॉजवर कारवाई केली। त्याच्यामध्ये दोन आरोपी, एक मोहम्मद सोहेल आणि दुसरा नितीन करिंगवार, यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्या ताब्यातून आम्हाला जवळपास 71 ग्रॅम एमडी पावडर मिळालेला आहे। याच्यातला एक आरोपी आहे मोहम्मद सोहेल, तो रायपूरचा राहणारा आहे आणि त्याच्या सोबतचा जो होता नितीन करिंगवार हा नागपूरचा आहे आणि तो बलून डेकोरेशनचं काम करतो। यापूर्वी आमच्या एनडीपीएस पथकामार्फत चांगल्या आणि मोठ्या प्रमाणात कारवाया झालेल्या आहेत। जे मुंबईहून माल यायचा त्याच्यावर कारवाया झालेल्या आहेत। जसं पार्सलनं पाठवलं तरी आम्ही कारवाई केल्या, बाहेर कोणी घेऊन यायचं असेल तरी कारवाई केलेल्या आहेत। त्यामुळं होऊ शकते दुसऱ्या मार्गाने आणण्याचा प्रयत्न असेल, परंतु त्यावर सुद्धा आमची लक्ष असून आम्ही आता जो रायपूरहून माल आणलेला आहे त्याच्यावर पण आम्ही कारवाई केली आणि यावर नंतर सुद्धा कारवाई करत राहणार। बता दे की हिरासत में लिए हुए आरोपियों में से रायपूर निवासी आरोपी मोहम्मद सुहेल ये रायपूर से नागपुर आरोपी नितिन के पास एमडी पाउडर लाया है। ऐसी जानकारी मिलते ही पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर कामयाबी हासिल की। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, VCN न्यूज़ नागपुर।